हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डीएस गुरुजन। स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री प्रैक्टिस टेस्ट। जैन बौद्ध धर्म के बारे में अपने को पढ़ना था, जिसमें से अपन बौद्ध धर्म पढ़ रहे थे, तो आज भी उसी के क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आए हैं बौद्ध धर्म से संबंधित। तो स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारतीय शिल्प में निम्नलिखित में से किसको प्रतीक स्वरूप एक रिक्त सिंहासन के रूप में दर्शाया गया है? तो वो जो दर्शाया गया है वो दर्शाया गया है बौद्ध जी को एक रिक्त सिंहासन के रूप में। उत्तरी पांचाल की मुख्य शाखा का संस्थापक कौन था? जो उत्तरी पांचाल की मुख्य शाखा थी उसके संस्थापक थे पुरु। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन महाजनपद यमुना नदी के तट पर स्थित था? जो प्राचीन महाजनपद जो यमुना नदी के तट पर स्थित था वो था वत्स महाजनपद। बौद्ध साहित्य में उल्लिखित महाजनपद काल में अवंती में निम्नलिखित में से कौन सा एक राजवंश शासन करता था? तो वो राजवंश था प्रद्योत, जो इसमें शासन किया करता था। महायान बौद्ध विचारधारा में बोधिसत्व कौन है? जो महायान बौद्ध विचारधारा है उसमें बोधिसत्व जो है वो है बुद्ध के पूर्व अवतार। निम्नलिखित में से कौन सी शाखा थेरवाद तथा स्थावरवाद के रूप में जानी जाती है? तो वो जानी जाती है हीनयान शाखा, जो थेरवाद और स्थावरवाद के रूप में जानी जाती है। बुद्ध घोष द्वारा लिखित किस ग्रंथ को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का लघु विश्वकोश कहा जाता है? तो वो है विशुद्धि मग, जिसे प्रारंभिक बौद्ध धर्म का लघु विश्वकोश के रूप में जाना जाता है। बुद्ध घोष द्वारा लिखित किस ग्रंथ को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का लघु विश्वकोश के रूप में जाना जाता है? तो वो है विशुद्धि मग। निम्नलिखित बौद्ध ग्रंथों में से किसमें अनेक प्राचीन भारतीय लिपियों की सूची प्राप्त हुई है? तो वो प्राप्त हुई है ललित विस्तार में प्राचीन भारतीय लिपियों की सूची। निम्नलिखित ऐतिहासिक व्यक्तियों का नाम तिथि क्रमानुसार संयोजित कर अपना उत्तर नीचे दिए गए कूट से चुनिए। तो अब देखिए, पार्श्वनाथ जी दिया हुआ है, इसके बाद दिया हुआ है महावीर जी, बुद्ध जी और भद्रबाहु। अपने को क्या सम्मिलित करना है? नाम तिथि क्रमानुसार संयोजित करना है। तो जो सबसे पहले हुए थे वो हुए थे पार्श्वनाथ जी, इसके बाद महावीर जी, इसके बाद बुद्ध जी और इसके बाद हुए भद्रबाहु। तो ये सुमेलित ही है। तो यहाँ पर जो अपना फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है वही इसमें करेक्ट है। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक बौद्ध साहित्य में वर्धमान का उल्लेख किस नाम से हुआ है? तो इनका जो उल्लेख हुआ है वो हुआ है निगंट नाथपूत के रूप में। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध का समकालीन नहीं था? तो वो थे उदयभद्र। इसके अलावा अगर पूछ ले कौन बुद्ध का समकालीन था तो प्रसेनजीत, बिंबिसार उदयन, ये तीनों ही बुद्ध के समकालीन रहे हैं। वज्रयान बौद्ध धर्म में बुद्ध बोधिसत्व की संगिनी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे तारा के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किन ग्रंथों में 16 महाजनपदों का नामोल्लेख हुआ है? तो वो जो नामोल्लेख हुआ है वो हुआ है यहाँ पर अपना इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर होगा अंगुतर निकाय भगवती सूत्र अष्टाध्याय, इसमें 16 महाजनपदों का नामोल्लेख हुआ है। अगला अपना प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन धार्मिक पुस्तकों में बलि तथा भांग शब्दों का प्रयोग भूमि कर के लिए किया जाता था? तो वो जो साहित्य है वो है बौद्ध साहित्य, जिसमें बलि तथा भांग शब्दों का प्रयोग भूमि कर के लिए किया जाता था। सुवर्ण प्रभाष सूत्र पुस्तक संबंधित है? तो ये जो पुस्तक संबंधित है ये संबंधित है बौद्ध धर्म से। अवंती में बौद्ध धर्म का प्रचार किया, जो अवंती है उसमें बौद्ध धर्म के प्रचार करने वाले थे महाकात्यायन। बुद्ध का प्रसिद्ध शिष्य आनंद था, तो उनका नाम था शाक्य। इसके बाद है, बुद्ध ने किसकी इच्छा को ध्यान में रखकर स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी? तो ये थी प्रजापति गौतमी आनंद की इच्छा को ध्यान में रखकर इन्होंने स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी। बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षावास कहाँ किया? तो इन्होंने जो किया था वो किया था श्रावस्ती में। अगला अपना प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। इधर दिया हुआ है राजधानियां जनपद और इधर दिया हुआ है राजधानियां अश्मक मूलक कलिंग अवंती। इधर दिया हुआ है पोतन प्रतिष्ठान तोशली और उज्जैनी। तो जो जनपद है अश्मक जनपद, इसकी राजधानी थी पोतन। मूलक जनपद की थी प्रतिष्ठान, कलिंग की थी तोसली और अवंती की थी उज्जैनी। ये सुमेलित ही है। तो यहाँ पर जो अपना फर्स्ट ऑप्शन है वही इसमें करेक्ट है।
द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके राज्यकाल में हुआ? तो इसका आयोजन हुआ था कालाशोक के राज्यकाल में। निम्नांकित समकालीन राजाओं में गौतम बुद्ध की समान आयु का कौन सा था? तो वो था बिंबिसार, जो गौतम बुद्ध की समान आयु का था। किस उत्खनन ने कपिल वस्तु के समीकरण का साक्ष्य प्रस्तुत किया है? तो वो था पीप रहुआ, जिसने कपिल वस्तु के समीकरण का साक्ष्य प्रस्तुत किया। अंग का उल्लेख सर्वप्रथम किस में मिलता है? तो इसका उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है अथर्ववेद में। निम्नलिखित में से किन नगरों के नाम से सिक्के चलाए गए? तो जो सिक्के चलाए गए जिन नगरों के नाम से, वो था राजगृह, श्रावस्ती, कौशाम्बी और वाराणसी। इन चारों ही नगरों के नाम से सिक्के चलाए गए हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की आलोचना एवं वैदिक परंपरा के समर्थन करने के लिए कौन विख्यात है? तो वो है कुमारील। और दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, ध्यान रखना है आपको। बौद्ध साहित्य में मिलिंद पन्हो ऐसी प्रश्नोत्तरी के रूप में मिलती है जिनको दो प्रमुख चरित्र हैं, नागसेन तथा, तो दूसरा जो उनका चरित्र है, एक तो नागसेन है और एक है मिनेंडर, इनका प्रमुख चरित्र है। अगला प्रश्न है, दूसरा नगरीकरण इंगित करता है, जो दूसरा नगरीकरण इंगित करता है वो करता है गंगा घाटी में नगरीय संस्कृति का उत्थान। अगला है अपना, महाजनपदों के उदय के कारण के रूप में संबंधित नहीं है, तो जो संबंधित नहीं है वो है विदेशियों द्वारा विजित करने का भय, बाकी कृषि का प्रसार इसमें हुआ है, उदय का कारण रहा है कृषि का प्रकाश, व्यापार तथा नगरीकरण का विकास भी कारण रहा है और लोहे का विस्तृत प्रयोग रहा है, लेकिन जो विदेशियों के द्वारा जो विजित होने का भय है ये इसके संगतित नहीं है। छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के 16 महान जनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध धर्म में सूची मिलती है? तो वो मिलती है अंगुत्तर निकाय में। बुद्ध के द्वारा सबसे अधिक संख्या में प्रवचन दिए गए थे, तो उनके द्वारा सबसे ज्यादा प्रवचन दिए गए थे श्रावस्ती में। बौद्ध ब्राह्मणों के आहार संबंधी अनुशासन में बौद्ध भिक्षुओं की अनुमति थी, तो इसमें जो अनुमति थी, एक तो दिया हुआ है यहाँ पर भिक्षा मांगने की, भोजन के निमंत्रण स्वीकार करने की, मठ में भेजी भेंट ग्रहण करने की, किसी विशेष प्रकार के आहार के लिए अपनी इच्छा प्रकट करने की। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कूट का चयन कीजिए, जो कथन सही है वो देखिए। एक तो यहाँ पर इनको अनुमति थी भिक्षा मांगने की, भोजन के निमंत्रण को स्वीकार करने की और मठ में भेजी भेंट ग्रहण करने की, इन तीनों की इनको अनुमति थी, लेकिन किसी विशेष प्रकार के आहार के लिए अपनी इच्छा प्रकट करने की इनको अनुमति नहीं थी। तो ए बी सी यहाँ पर करेक्ट है। जो फोर्थ ऑप्शन इसमें दिया हुआ है वो इसमें करेक्ट है। बौद्ध धर्म की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी एक इसे जैन धर्म से भिन्न करती है? वेदों की सत्ता को अस्वीकार करना, कर्म की प्रभावशीलता में विश्वास, अत्यधिक सुख और आत्मनिग्रह दोनों का तिरस्कार, सभी प्राणियों को क्षति नहीं पहुंचाने की अभिवृत्ति। तो ये जो था, अत्यधिक सुख और आत्मनिग्रह दोनों का तिरस्कार, ये इसे जैन धर्म से अलग करता है। कश्मीरी मूल के बौद्ध दार्शनिक जिन्होंने मध्य एशिया और चीन में महायान बौद्ध मत के प्रसार के लिए अग्रणी रूप से भाग लिया, तो वो थे कुमार जीव, जिन्होंने इसमें भाग लिया। तो आज के इस हिस्ट्री प्रैक्टिस टेस्ट में इतना ही। बाकी जानकारी के लिए आप DS गुरुजी के साथ जुड़े रहें। एंड थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।